आइए आज जान लेते हैं हरितालिका तीज कब है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव। जय माता दी माता रानी। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपके अपने चैनल रवीश डॉट अर्चना में आपका स्वागत है। हरितालिका तीज 2023 17 या 18 सितंबर प्रदोष काल पूजा मुहूर्त पूजा विधि आज जरूर करें एक काम। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में हरितालिका तीज का व्रत कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और दिन किए जाने वाले खास उपाय। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। सुहागिन महिलाएं हरितालिका तीज के दिन निर्जल और निराहार व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए हरितालिका तीज का व्रत किया था। आइए जानते साल 2023 में हरितालिका तीज व्रत कब रखा जाएगा, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। साल 2023 में हरितालिका तीज का व्रत 18 सितंबर सोमवार को रखा जाएगा। तृतीया तिथि शुरू होगी 17 सितंबर प्रातः काल 11:08 पर। तृतीया तिथि समाप्त होगी 8 सितंबर को रात्रि 12:39 पर। प्रातः काल पूजा मुहूर्त होगा प्रातः काल 6:07 से 8:34 तक। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त शाम 6:23 से रात्रि 8:44 तक। पारण का शुभ मुहूर्त होगा 19 सितंबर को सूर्योदय के बाद। हरितालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याओं का द्वारा रखा जाता है। इस व्रत में प्रातः काल और प्रदोष काल में दोनों समय पूजा का विधान है। इस दिन प्रातः स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश के रूप में वह काली मिट्टी से प्रतिमा बना ले। अब इन एक चौकी पर स्थापित कर इनका श्रृंगार करें। प्रतिमा को उनकी प्रिय पूजन सामग्री अर्पित करें। माता पार्वती को सुहाग का सामान और लाल सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद मीठे का भोग लगाएं। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करें। अगले दिन व्रत का पारण करें और ब्राह्मण को दान दक्षिणे देकर व्रत सम्पन्न करें। शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज का व्रत विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार कर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, तो वह कुंवारी कन्या को भी चाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का यह व्रत रखती है। मान्यता है कि इस दिन निर्जल उपवास कर विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा से मनचाहा वर प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज के दिन माता पार्वती को हल्दी की 11 गांठ चढ़ाने से विवाह के योग में मजबूत होते हैं। तीज के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर 21 बेलपत्र चढ़ाएं और कम से कम 11 या 21 बार परिक्रमा कर इन शिवलिंग को बेल से के पेड़ के नीचे रख दें। इसके बाद देवी कात्यायनी के विवाह मंत्र का जाप करें। इससे विवाह का योग मजबूत होता है। अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए आज के दिन माता पार्वती को सुहाग की सामग्री विशेषकर सिंदूर अर्पित करना शुभ होता है। हरितालिका तीज व्रत के दिन व्रती महिला को भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा के बाद तीज व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। हरितालिका तीज के दिन किसी